जी व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हदीका नकवी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्ट्रीट टाइम। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको बहुत अच्छी अच्छी और मुख्तलिफ जगहों पे लेकर जाते हैं जिससे आपकी इंटरटेनमेंट भी हो और आप हमारा शो इसलिए बहुत पसंद भी करते हैं, हमें बहुत अच्छे मैसेजेस भी मिलते हैं आपके। आज हम मौजूद हैं डिफेंस के इलाके में क्रिसेंट आर्ट गैलरी, ये है रंगों की दुनिया। तो आइए आपको दिखाते हैं रंगों की दुनिया और उसके साथ साथ हम आपको मिलवाएंगे इन रंगों की दुनिया के जो बहुत ही सीनियर पर्सन हैं, जिनके इसके पीछे थॉट्स हैं, इनकी पॉजिटिविटी है, क्या है, क्या कहते हैं वो अपनी पेंटिंग्स के बारे में, आइए जानते हैं। हम मौजूद हैं क्रिसेंट आर्ट गैलरी के अंदर, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रंगों की दुनिया है और हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही क्रिएटिव और थॉटफुल माइंड, पाकिस्तान के सीनियर आर्टिस्ट में जिनका शुमार होता है और जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं वो शख्सियत जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कमर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ठीक। तो आप बताइए कि अपनी पेंटिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने काम के बारे में बताइए। कमर सिद्दीकी, तकरीबन 25 साल से मैं पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्ट में काम कर रहा हूँ प्रोफेशनली, और मेरी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि मेरी पेंटिंग्स के ज़रिए कोई ना कोई मैसेज जो है वो लोगों को मिले और उससे कोई पॉजिटिव लोगों के अंदर जो है वो चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ मैं, कि वो कोई अच्छी मैसेज मिलता रहे लोगों को, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ। और माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और काफ़ी एग्जीबिशंस की हैं, काफ़ी मुल्कों में काम, पेंटिंग्स और एग्जीबिशंस में कर चुका हूँ, तो उसमें माशाल्लाह से लोग उसको काफ़ी सराहते भी हैं और मुझे उम्मीद है कि लोगों तक मेरा मैसेज भी जाता होगा। तो उसके लिए मैंने काफ़ी टॉपिक्स पर मैंने काम किया हुआ है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं मुख्तलिफ, जिनमें से एक तो ये है कि इंसान अपनी, मेरा जो सबसे ज़्यादा आजकल जो फोकस चल रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ कि लोग इसकी तरफ आएँ और इस पर सोचें, वो ये है कि लोग सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं और बड़ा मटेरियलिस्टिक। बहुत अच्छी ये आपकी थॉट है माशाल्लाह। और ये आजकल पेंटिंग्स के जरिए जो है ये इतनी थॉटफुल बातें कह रहे हैं, इतनी पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए। और बताइए कुछ और क्या मैसेजेस आप डिलीवर करना चाह रहे होते हैं? उसमें बस यही होता है कि मैं यही चाहता हूँ कि लोग जो है वो देखें, जो दुनिया में आप तारीख उठा के देख लें कि जो भी कौमें तरक्की करती हैं वो अपनी कौम के साथ उनके लोग सिंसियर होते हैं, सच्चाई ईमानदारी से काम करते हैं। और हमारा जो मज़हब की जो बेसिक, हमारे मज़हब की नहीं, इंटरनेशनली जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब की बेसिक्स यही होती हैं कि आप जो है ना वो सिंसियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ अपने लोगों का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, इससे डेवलपमेंट्स होती हैं। अगर हम जिस तरह के शॉर्टकट्स और जिस तरह के माहौल में अभी जी रहे हैं तो वो तरक्की करने के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो हमें अब तक समझ जाना चाहिए कि जो दुनिया में जितनी भी कौमों ने तरक्की की है उन्होंने बड़ी सच्चाई और मेहनत और लगन के साथ अपने आप को परवान चढ़ाया है। तो मैं उसके लिए काम करता हूँ और मैंने काफ़ी पेंटिंग्स की हैं और काफ़ी मेरे लेक्चर्स भी होते हैं और इंटरव्यूज़ भी होते हैं जो कि मैं देता हूँ। तो उसमें मैसेज मेरा टोटल यही होता है। अच्छा, फिर ये होता है कि जैसे राइटर की राइटिंग होती है, फ़िलासफ़र का फ़लसफ़ा होता है, या शायर की शायरी, गज़ल होती है, इसी तरह से एक आर्टिस्ट की पेंटिंग होती है और उसके पीछे एक इजहार होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको अगर मेरी पेंटिंग का ये होता है कि अगर आपको पता लग जाएगा ना कि ये पेंटिंग क्या है, तो आपको उसको फिर वो जो पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी आप पेंटिंग देखेंगे तो वो आपके दिमाग में दोबारा से आ जाती है। बिल्कुल, तो ये इस तरह से लोगों में एक अच्छा तासुर के लिए ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप लिटरेचर पढ़े हैं तो फिर आज जब उसको एक दफ़ा देखते हैं तो आपके अंदर वो चीज़ रिवाइव हो जाती है, तो कभी ना कभी तो इंसान को क्लिक करेगी वो। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। हमारे लिए ये एक नज़र की बात है लेकिन एक पेंटर के इमोशंस, थॉट्स,
फीलिंग्स जुड़ी होती हैं हर एक पेंटिंग से, बिल्कुल क्या ऐसा ही होगा आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी सोच और बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि आप, मेरी पेंटिंग आपके पीछे लगी हुई जी, है जी। ये मैंने पाकीज़गी पे और रूहानियत पे कुछ पेंटिंग्स की थी, सच्चाई पर। माशाल्लाह, मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स जरा इसका एक क्लोज लुक लें ये पेंटिंग का हमारा। हाँ बिल्कुल, तो ये मतलब इसके अंदर जितने भी कलर्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, जो लाइंस कॉम्पोजिशन या जो भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, उन सब का ना मीनिंग है। और वो जब आपको एक्चुअली मेरे जितने भी सिंबल्स होते हैं वो मैं मुसलसल इस्तेमाल करता हूँ, तो जब आपको मेरे पेंटिंग्स में सिंबल्स का पता लग जाता है तो फिर आप उसको बआसानी समझ ले पेंटिंग को पढ़ सकते हैं। अब आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं पेंटिंग में फैदर क्यों यूज़ करता हूँ, अगर मैंने वाइट कलर यूज़ किया हुआ है तो उसकी वजह क्या है। मरून कलर मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश की है पेंटिंग में, तो वो भी एक उसकी भी पूरी एक लॉजिक है जी। तो, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने पूछना चाहूंगी आपसे कि हर कलर का मीनिंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल, तो बड़ी बड़ी सोच के और बड़े रिसर्च के बाद जो है फिर मैंने इस काम को बाकायदा स्टार्ट किया और मुसलसल काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। और मैसेजेस मेरे जो पैगाम है, जो लोगों तक कोई पॉजिटिव बात पहुँचे, उसके लिए मैं काम करता हूँ। देखिए पेंटिंग मैं बना रहा हूँ, मैं उसको इंजॉय करता हूँ, और सिर्फ आप अपने लिए इंजॉय नहीं करें, अपनों के लिए भी जीना सीखें। तो मैं मतलब एक इंसान की क्वालिटी, इंसान इंसान बनते ही तब है जब वो अपनों के लिए जीता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो देखें अपने लिए तो जीते, हम सब कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि वो अपने लिए तो जीते हैं, अपनों के लिए भी जिए, ताकि एक एक पॉजिटिव असरात मरतब हों। अभी जो जिस किस्म का देखिए, जब हम अपने अपने लिए जीते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी कैद होना शुरू हो जाती है। आप अपनी ज़िंदगी में कैद हो जाते हैं, सामने वाला अपनी ज़िंदगी में कैद हो जाता है, उसको अपने मफादात चाहिए होते हैं, सामने वाले को अपने मफादात, फिर मफादात की दौड़ है ये। तो अगर मेरा ख्याल है उसका वो उसमें खुशी और सुकून नहीं होता है, उसमें मफादात डर खौफ होता है कि मेरे आँख बंद होने से या मेरे अपने आप को प्रेजेंट नहीं होने से वहां नहीं होऊंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको सामने वाले पे एतबार नहीं है। ये पूरे माशरे का कायदा बन चुका है, रूटीन हमारी बन चुकी है, पूरा एक सेटअप जो है वो इस तरह से आ चुका है कि लोग भरोसा नहीं करते हैं और अपने अपने मफादात के लिए जी रहे हैं। तो ये कोई माशरा नहीं है, हमारा माशरा नहीं है ना, हमारा हमारा दीन और हमें ये चीज़ सिखाता है। हमारियाँ तो हम अपने असल से बहुत दूर जा चुके हैं, मतलब बहुत अफसोस के साथ के ये हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उसका हमें, हालांकि अब हमें रिजल्ट्स भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये है कि हम अभी भी नहीं सोच रहे हैं। चेंज चेंज करना होता है, चेंज के लिए ज़रूरी नहीं है कि चेंज एकदम से आ जाए, चेंज वक्त लगता है उसके लिए। जनरेशन्स में जाके ये बात सोची जाती है कि अगर आप अभी कोई स्टेप लेंगे तो आपके आने वाली दो या दूसरी या तीसरी नस्ल में जाके वो चेंज आता है, एकदम नहीं होता है कि एकदम से सडन चेंजेस आर नॉट देयर। अच्छा, तो ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी क्रिएटिविटी है, इतने पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप सबके लिए काम कर रहे हैं, तो ये बताएं कि आपको बचपन से ही शौक था या इस फील्ड में कब से हैं आप, या किस तरह आपका आगाज हुआ है सब का? मतलब ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे वाले साहब भी आर्टिस्ट, अच्छा माशाल्लाह, वालदा भी आर्टिस्ट, और ये इनहेरिटेड होगा, ये इनहेरिटेड है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। तो और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से पेंटिंग्स करते हैं माशाल्लाह, और स्कल्पचर करते हैं, और मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट है, मतलब पूरी फैमिली टैलेंटेड है। फैमिली जो है ना वो असल में हम लोग एक ही सोच रखते हैं माशाल्लाह से, क्योंकि मैं अपने वाले साहब से शुरू में मैंने सीखा है, वालदा से सीखा, और अब सबसे मज़े की बात ये होती थी कि मैंने अपनी तमाम पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो हैं वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता था। अच्छा। उनसे पूछ के जो है मैंने काम किया। मेरे वाले साहब कैलीग्राफी, पहले तो फिगरेटिव काम भी किया उन्होंने, फिर वो कैलीग्राफी करते रहे हैं और बहुत बड़े स्केल्स पे उन्होंने काम किया है। इसके अलावा मेरी वालदा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती थी, ठीक है कि वो प्रोफेशनली नहीं करती थी, लेकिन एक हुनर था उनके अंदर भी, बिल्कुल। तो जो शुरू का मैंने सारा काम है ना वालिद साहब के पास, तो मैं बहुत बाद में गया था। अच्छा। पहले मैं अपनी वालदा से ही चीज़ें सीखता था।
जाहिर सी बात है, जो जी बिल्कुल माँ मुझे बेटे का याद है क्लोजनेस जी, और बिल्कुल रिलेशनशिप बिल्कुल। होती है। और वो मुझे ड्राइंग्स, अब बिल्कुल ये चीज़ें जो आपने बड़ा बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया है, और मुझे अपनी पुरानी यादें जो है वो वापस आ गई हैं रिवाइव हो जी गई बिल्कुल, सारी मेमोरीज। क्यों मैं वो बिल्कुल वो सोच रहा हूँ कि वो वालदा जो मुझे वो छोटे छोटे घर बनाना सिखाती थी पेपर्स पे, और वो बहुत खूबसूरत था, और बस वही है कि वो पहले कदम है जो आज यहाँ तक पहुँच गए। और फिर मेरे वालदैन की तरबियत जो उन्होंने की, और जिस तरह से जो सोच हमारे अंदर डेवलप हुई है, और जो पॉजिटिव नेचर उन लोगों में मौजूद थी और जो हम तक आई है, ये सब उसका है। और देखिए हम अपने वालदैन से ही लेते हैं, जो हमारे वालदैन में होता है वही हमें सराहियत करता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तभी आपके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह ये एक मिक्सचर है कि एक आर्ट भी है और उस आर्ट को आपने अपनी पॉजिटिविटी से भी फिल बिल्कुल किया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, राइटअप्स राइटिंग्स अच्छा, भी होती है मेरी कुछ है, जी बताना बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स को अपनी तो राइटिंग्स के वो बारे आप में? जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो वो सब वही हैं जो मैं बिल्कुल हर बिल्कुल आपको सुना रहा हूँ, तो वो मैं लिख देता हूँ, या मेरे कुछ लेक्चर्स भी होते हैं उस पर, तो बस ये चल रहा है, तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। और तमाम सियासत पॉलिटिक्स से दूर रह के अपनी ज़िंदगी को बनाया है, मेरे मालिक ने किया है, ये सब उसका करम है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप उससे रुजू करें और वो आपको सिलाना दे, ऐसा हो नहीं सकता। बेशक बेशक बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस्लामाबाद से यहाँ पे आप आए हुए और आपकी एक अवार्ड सेरेमनी भी यहाँ कराची में प्लेस हुई है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक हमारे यहाँ क्रिसेंट आर्ट गैलरी वालों ने एक शो, बहुत ज़बरदस्त एग्जिबिशन जो है वो कराची पीसी में की थी। अच्छा, और माशाल्लाह। बिल्कुल जी, ये मैं बड़ी इसको खुशनसीबी समझता हूँ कि इनका साथ इस वक्त काम कर रहा हूँ, और इन मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तानी आर्ट को जो है वो नेशनल लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं। अभी आप इनकी एग्जिबिशंस की जो नौइयत है वो सिर्फ एग्जिबिशन नहीं होती है, अच्छा। वो एक कल्चर प्रमोशन का एक नया स्टाइल है, लोगों को प्रॉपर गैदरिंग, फिर वहाँ पर आर्ट डिस्कशंस। जी बिल्कुल बिल्कुल, इतनी अवेयरनेस नहीं होगी लोगों को? नहीं, लोगों को है, अवेयरनेस है भी, लेकिन ये कि अब जो नई जो पॉजिटिव चीज़ें आर्ट के अंदर होनी चाहिए उसके लिए ये काफ़ी काम कर रहे हैं। टॉक्स भी, और इनका मतलब इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं ये, जिसमें कि लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, पैनल डिस्कशंस हैं एग्जिबिशन के साथ, ये बहुत कम हो रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे करना ये मतलब ये बड़ा काबिले तहसीन बात है इनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ये कि फिर आर्ट आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर्स और दूसरे गवर्नमेंट सर्कल के हायर जो क्या कहेंगे आप पर्सनालिटीज़ हैं, उनको साथ मिलाना, उनको इसकी तरफ इन्वॉल्व करना, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि हमें एक बहुत अच्छे तासुर मिल रहा है आर्ट में, तो बस इसके लिए मैं फिर यहाँ पर आया था, और इस दफ़ा जो इसमें आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर साहब भी इस एग्जीबिशन में आए थे, जी चीफ गेस्ट वही थे, और बड़ा अच्छा रहा। जैसे कि व्यूअर्स आपने सुना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं ये, खूबसूरत थॉट्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। तो आप बताइए कि माशाल्लाह ऑलरेडी इतना सब कुछ कर रहे हैं आप और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? और बस कोशिश में लगे हुए हैं, और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने अभी एग्जीबिशन की है वो मुल्की यूनिटी पर, इत्तेहाद पर, और पॉजिटिव क्या कहते हैं मतलब मुस्बत तरक्की पर, जी बिल्कुल बिल्कुल, के लिए हम लोग जो इकट्ठे हों और मिलके और इस मुल्क और कौम की खिदमत करें, और हर चीज़ को कोशिश करें कि वो सच्चाई के साथ अच्छी हो। जिस तरह से जो हम देखें, हम हर चीज़ में जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें यही है कि खालिस प्योर होनी चाहिए, चाहे हमारी प्रोडक्ट हो,
या हमारी सोच हो, हम एक दूसरे से खुलूस से सच्चाई के साथ मिले आपने माशाल्लाह और हमारे जितने भी जो कुछ हम बनाते हैं या जो कुछ हम फसलें उगाते हैं वो सब चीज़ें खालिस होनी चाहिए ताकि हमारी जो बच्चे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं या हम लोग जो भी बच्चे हैं या बड़े वो सब तवाना रहें और इस मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। एक तो जी मेरा ये था कि ये चीज़ मैंने इस दफ़ा की है और मैं इंशाल्लाह अभी मुल्क में दूसरे शहरों में भी इस एग्ज़िबिशन को लेके जा रहा हूँ और अच्छा, मेरा वहाँ पर भी यही मैसेज होगा सबसे और मैं मुसलसल यही मैसेज मेरा रहेगा ताकि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क और कौम को तरक्की दे और उसके अलावा अभी मेरा इंटरनेशनल लेवल पर पीस के लिए भी एक एग्ज़िबिशन लेके जानी है मुझे वो जी बिल्कुल वो दुनिया के बेशतर ममालिक में मैं ट्रैवल कराऊंगा उस एग्ज़िबिशन को और इसका सेहरा नासिर साहब जो क्रिसेंट आर्ट गैलरी के ओनर है उनको जाता है कि वो इस कोशिश में सबसे मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं मतलब अल्लाह ताला खुद ही कर देते हैं सारे काम, मतलब मैं इस चीज़ के लिए सोच रहा था कि ये बिल्कुल एक थॉट होनी चाहिए, एक स्टेप लेते हैं आगे खुद ही अल्लाह की मदद आ जाती है बिल्कुल। तो ये इसमें यही था कि उनकी सपोर्ट शामिल है तो इंशाल्लाह मैं अभी इंटरनेशनल लेवल पर पीस के लिए काम कर रहा हूँ और उसमें भी बहुत छोटा सा मैसेज है कि अगर दो मुल्क एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के हकूक को क्या कहते हैं कि पासदारी करेंगे तो अमन सुकून रहता है। लेकिन अगर वही बात कि जब वो आपस में अपने अपने मफादात और दूसरे के मफादात को छीनने की कोशिश करते हैं तो फिर खाना जंगी की कैफियत हो जाती है। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एहसास करें, एक दूसरे का ख्याल रखें ताकि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी अमन दुनिया में आए। तो उसके लिए भी एक छोटी सी कोशिश मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह माशाल्लाह आपके बहुत ज़बरदस्त बड़े प्लान्स हैं आगे जाके और नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी। बस अल्लाह ताला का करम है। अब ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्लान करें तो इसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो हैं वो मैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी मैं इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। जी व्यूअर्स बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल वाकई जिस तरह से हमें कमर सिद्दीकी साहब ने बताया नासिर साहब जो है आर्ट की बहुत ज़बरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं, नेशनली इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्ट को और इसको सिर्फ यहाँ पे यहाँ के डिफरेंट शहरों में नहीं पाकिस्तान के बल्कि ग्लोबली इंटरनेशनली इनकी बहुत रिकग्निशन है इस बात पर कि ये इस फील्ड में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको भी बताया कमर सिद्दीकी साहब ने कि ये ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से कराची आए इसी एग्जीबिशन के लिए जिसमें इनको अवार्ड दिया गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को भी अपना अवार्ड दिखाएं और कुछ अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं, आपको इस अचीवमेंट के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अभी जो माशाल्लाह से क्रिसेंट आर्ट गैलरी ने एग्जीबिशन पर्ल कॉन्टीनेंटल होटल कराची में की, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने उसको प्लान किया था। उसमें जनाब कल्चर मिनिस्टर सिंध ने जो उसको चीफ गेस्ट थे उनकी तरफ से और क्रिसेंट आर्ट गैलरी की तरफ से अवार्ड दिया गया और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी कोशिशें जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए इन्होंने दिया है तो मुझे बहुत खुशी हुई और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं अपने तमाम जो मेरे गोल्स हैं उनको पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। ये बताइए कि माशाल्लाह इतनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी, इसके बाद क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर योर फीलिंग्स, कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताएं। जाहिर सी बात है इंसान को खुशी होती है कि वो प्राउड फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आपको उसके पॉजिटिव असरात मरतब मुस्बत असरात मरतब हो रहे हैं और आपको उसका मतलब चला ही है। ये मैं समझता हूँ मेरे वालदैन की दुआएं हैं और जिसकी वजह से मैं आज इस जगह तक पहुँचा हूँ और ये मैं अवार्ड जो है वो अपनी माँ को और अपने वालिद साहब को और अपनी वालदा को डेडिकेट करता हूँ। उनकी वजह से है सब, बहुत उन्हीं का ही है सब कुछ और अल्लाह ताला का करम है और आप लोगों का सराहना है इसमें शामिल होता है।
जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो अवार्ड इनको मिला है, और ये अब वो अपना अवार्ड जो है अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करते हैं। अच्छा ये बताइए, वैसे तो माशाल्लाह आपसे बात करके पॉजिटिव चीज़ें सुन के हमारे व्यूअर्स को भी और मुझे भी ख़ास तौर पर पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो बस आखिर में ये कहती चलूँगी कि हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छा मैसेज आर्ट से रिलेटेड, अपने पॉजिटिव थॉट से रिलेटेड देना चाहेंगे आप, और स्पेशली न्यू जनरेशन हु इज़ कमिंग इनटू पेंटिंग इनटू आर्ट, और उनके लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि आप जैसे माशाल्लाह सीनियर आर्टिस्ट का एडवाइस वुड बी अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर देम, तो आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताएँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मैं आज तक जो कुछ भी हुआ, जहाँ तक पहुँचा हूँ या आगे जितने भी तरक्की है या जो भी, वो सब मेरे अल्लाह ताला का करम है, मेरे वालदैन की दुआ है और उनकी अच्छी तरबियत। असल में ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। तो मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो मैं ऐसे चाहूँगा कि वो सबके लिए हो। एक तो वालदैन को अच्छा हलाल कमाएँ, अच्छा कमाएँ, अच्छी खुराक या अच्छा रिस्क अपने औलाद तक पहुंचाएं, ताकि आपकी औलाद जो है वो मुल्क और कौम के लिए एक अच्छा मतलब आपके आने वाली जो नस्लें हैं वो अच्छा तरक्की दें मुल्क को और कौम को दें। और मैं समझता हूं कि यही सब कुछ है, और कौमें सच्चाई नेकी और खलूस से तरक्की करती हैं, मेहनत से तरक्की करती हैं, शॉर्टकट से तरक्की मैंने तो नहीं की, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उसका मेरे रब ने बहुत अच्छा सिला दिया है। और मैं यही समझता हूँ कि हम सबको मेहनत से काम करना चाहिए, सच्चाई से काम करना चाहिए, झूठ और धोखा मक्कारी ये सब चीज़ें तबाह कर देती है। वक्ती तौर पे तो आपको ऐसा लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो वक्ती अचीवमेंट्स हैं और उसमें नुकसान बहुत दूर तक होते हैं, और वो हो रहे हैं, वो हो चुके हैं। और अगर हमें इस वक्त एक मौका मिल रहा है कि हम अपने आप को चेंज कर सकें, और वाकई ये इस वक्त मौका है कि हम अपने आप को चेंज कर सकें, तो हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए और मिल के एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के लिए जिएं जिस हद तक हो सकता है, तो ताकि ये मुल्क और कौम तरक्की कर सके। बहुत शुक्रिया कमल सिद्दीकी साहब आपका, माशाल्लाह आप वैसे ही इतना बिजी रहते हैं, उस सब में भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बात की, हमारे व्यूअर्स को इतने इंपॉर्टेंट मैसेज दिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने अच्छे सवालात किए और उसके लिए एक मौका फराहम किया कि कोई मैसेज इस तरीके से भी लोगों तक पहुंचे, तो मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत अच्छा रहा आज का हमारा प्रोग्राम, आई होप सो आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा। आप लोगों ने सिर्फ पेंटिंग्स के बारे में नहीं जाना, बल्कि उसको किस तरह अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पेंटिंग्स को रीड किस तरह कर सकते हैं, और हर पेंटिंग का अलग मकसद होता है, और उस पेंटिंग से आपकी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, ये सब कुछ हमने देखा, बहुत मज़ा आया। आई होप सो आप सब ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई जगह पर नई चीज़ में। अपनी होस्ट हदीका नकवी को इजाज़त दीजिए स्ट्रीट टाइम में। अल्लाह हाफ़िज़। We'll be right back.